दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में भारत विकास परिषद काशी द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यांग सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर भारत विकास परिषद काशी की ओर से दृष्टिबाधित बच्चों में गर्म कपड़े खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। परिषद की ओर से बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर परिषद के समस्त सदस्य मौजूद रहे। यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए स्वेटर वितरण और बाकी एक्यूप्रेशर कैंप भी है। हमारे सारे सदस्य आए हैं एक्यूप्रेशर सीखने के लिए और इनकी प्रतिभा को भी हम लोग देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? इन बच्चों से तो हम ही लोग को सीखना चाहिए। संदेश तो मतलब मैं मेरी खुद की अपना एक्सपीरियंस 5 मिनट में ही है कि संदेश से ज़्यादा हमें इनसे कुछ लेना चाहिए। बच्चे सांस्कृतिक गाना भी गा रहा है, एक से बढ़ के एक। हाँ, एक चीज़ इतनी ज़्यादा कमी के बावजूद इन्होंने अपने बाकी सारे सेंसेस को इतने अच्छे से यूज़ किया है कि हमको लगता है हमारे पास सारे सेंस है पर कोई का भी 100% यूज़ नहीं है। यहाँ किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में सेवार्थ कार्यक्रम, हम लोगों की जो काशी शाखा है भारत विकास परिषद की, ये सेवा भाव में बहुत अग्रणी रहती है, हर वर्ष रहती है। इस उसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम और हो रहा है यहाँ पर। और बताएं आप, क्या किया गया है आज यहाँ पर? यहाँ के 80-90 जो अंध बच्चे हैं यहाँ पर, उनको स्वेटर, खाद्य सामग्री और भी बहुत कुछ वो सेवार्थ भाव में वितरित किया जा रहा है। चिकित्सा शिविर आज नहीं है, चिकित्सा शिविर भी पीछे लगे थे, आगे और लगेंगे। ये जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा कैंप को दिया गया है, क्या है ये चिकित्सा? जो यहाँ पर रेगुलर कुछ होता है कि बच्चों को कोई तकलीफ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर सिखाया भी जा रहा है, एक्यूप्रेशर बताया भी जा रहा है। जैसे हम लोगों की शाखा से कई जगहों पे एक्यूप्रेशर परमानेंट चलता है, उनको लगा करके वो कर दिया जाता है कि जहाँ पर लोगों को तकलीफ हो, कुछ हो, तो उससे उनका निराकरण हो जाए और वो कुछ सीख भी सकें। तो ऐसे ही पुराना भी पहले यहाँ पर लग चुका था और आगे और भी जगहों पर लगता रहेगा।